आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि चंडोला पैटर्न की ये नंबर टू रिप्लिका थी, ये चंडोला तड़ाव नंबर टू बनने वाला था। ये विधर्मियों और बांग्लादेश वालों के लिए ही बनाया गया है, ये पूरा षड्यंत्र है। तो बाहर के लोग इधर प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, छोटी मोटी वहाँ गोदाम बन रही है, और ये सब चंडोला पैटर्न जैसे हुआ था कि पहले छोटा मोटा झुपड़ा बनाने का झुग्गी झुपड़ी, फिर बाद में कोई प्लास्टिक वाले आ जाते हैं वहाँ, वो किराए पर ले लेते हैं, बाद में वहाँ टाउनशिप खड़ी हो जाए, इस टाइप की इधर सोची समझी ये साजिश थी। हाटकेश्वर भाईपुरा वड़ का ये इलाका जहाँ पर आज चारों ओर एंक्रोचमेंट हुआ है, यानी कि दबाण हुआ है, देखा जाए तो हाटकेश्वर का ये प्लॉट, हाटकेश्वर में जो जल भराव हुआ करता था वो जलाव भराव का यहाँ वहन करने के लिए ये तालाब रखा गया था, लेकिन ये कुदरती स्रोत समान ये तालाब को पूर दिया गया है। कुछ असामाजिक तत्व इस जगह पर अलग अलग प्लॉट करके वो बेचने की जाहरात भी दे चुके थे। यहाँ के विधायक जगदीश पटेल के ध्यान पर ये बात आई तो उन्होंने प्रशासन से इसका जवाब मांगा और जानकारी मांगी, और जानकारी मिलते ही देखा गया कि ये प्लॉट में अलग अलग प्रकार के एंक्रोच हुए। हमारे साथ कितने लोग हैं उनको पूछेंगे, क्या बताओगे यहाँ पर झुग्गियाँ है, क्या होना चाहिए? सर दवा खाना खुल जाए तो अच्छा है, हॉस्पिटल बन जाए तो अच्छा है। दवा खाना हॉस्पिटल अच्छा हो, अच्छा अभी क्या माहौल है, कैसा गंदगी का सामना कर रहे हो आप? गंदगी तो है सर, क्या करेंगे। प्रशासन से क्या मांगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैं तो बोला ना कोई स्कूल होना चाहिए का, तो कोई हाँ हॉस्पिटल हो ऐसे कुछ बनना चाहिए। तो देखा कि यहाँ के लोगों को एक ही बात सताई जा रही है कि हम जब रहते थे तब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सीमित झुग्गियाँ आज चारों ओर असंख्य झुग्गियों में बदल गई है। हर्षद पटेल कैमरामैन मुकेश परीख के साथ पंचायत टीवी अहमदाबाद। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के विस्तार में अलग अलग जगह अनामत किए गए प्लॉट ज़्यादा है, कहीं पर दबाण हो गया है तो कई प्लॉट सरकारी योजनाओं के लिए आज भी मौजूद है, लेकिन देखा जाए तो हाटकेश्वर भाईपुरा रोड में राष्ट्र भारती स्कूल के पीछे जो तलावड़ी के रूप में जो छापरे बन गए वो सरकारी प्लॉट था और सरकार के कर्मचारियों के लिए अनामत रखा गया प्लॉट था, लेकिन यहाँ के जागरूक विधायक जगदीश पटेल के ध्यान पर जो जब ये बात आई तब उन्होंने पूरी छानबीन की। हमारे साथ विधायक खुद है, वो ही जानकारी देंगे कि आगे अब क्या होने वाला है और कैसे ये बात उजागर हुई। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि चंडोला पैटर्न की ये नंबर टू रिप्लिका थी, ये चंडोला तड़ाव नंबर टू बनने वाला था, ये विधर्मियों और बांग्लादेश वालों के लिए ही बनाया गया है, ये पूरा षड्यंत्र है, वहाँ कोई झोंपड़ी का प्रश्न नहीं है। ये पूरा जो अभी बाहर आया है, बहुत सारे मीडिया ने कुछ अलग से लिया है, मगर हकीकत यह है कि हमारे अमरेवाड़ी विधानसभा के अंदर ये हमारा श्रमजीवी विस्तार है, बहुत छोटे छोटे लोग इधर रहते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके लिए मुझे एक स्मार्ट स्कूल, पानी की टंकी और एक हॉस्पिटल बनाने की योजना थी। तो हम लोग प्लॉट ढूंढ रहे थे, कमिश्नर को बोला, जहाँ भी पेपर पर प्लॉट होता था तो हम वहाँ जाते थे, तो वहाँ फिजिकली प्लॉट नहीं हुआ करता था। तो ये प्लॉट मेरे ध्यान में आया कि ये तलावड़ी है, ये तलावड़ी का किसका प्लॉट है? हमने EMC में पूछा, कमिश्नर श्री को बोलते थे कि ये कलेक्टर के अंडर में है और ये वर्ग 3 के कर्मचारी के लिए आवास बनाने के लिए रिजर्व किया गया है। तो हमने छानबीन करके देखा कि क्या हुआ, वहाँ के लोकल लोगों ने भी शिकायत की कि ये तो बहुत बड़ी तालाब थी, इधर कम से कम 18-20 हज़ार स्क्वायर मीटर का ये पूरा तालाब था, अभी थोड़ा बचा हुआ है 15,000 स्क्वायर मीटर जितना। तो बाहर के लोग इधर प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, छोटी मोटी वहाँ गोदाम बन रही है, और ये सब चंडोला पैटर्न जैसे हुआ था कि पहले छोटा मोटा झुपड़ा बनाने का झुग्गी झुपड़ी, फिर बाद में कोई प्लास्टिक वाले आ जाते हैं वहाँ, वो किराए पे ले लेते हैं, बाद में वहाँ टाउनशिप खड़ी हो जाए, इस टाइप की इधर सोची समझी ये साजिश थी। तो मैं समझता हूँ कि ये समय पे हमें पता चला और लोकल लोगों की शिकायत पे ये पता चला। फिर हमने कलेक्टर को बोला, कलेक्टर ने मामलेदार को बोला, प्रांत ऑफिसर को बोला, और अभी वहाँ नोटिस दे रही है, और मैं समझता हूँ थोड़े दिनों में उसका हमें रिजल्ट भी मिलेगा।
कहा जाता था कि अहमदाबाद के हटकेश्वर में पानी का जो जल भराव होता था वो पानी जल भराव सीधा हटकेश्वर के भाईपुरा तलावड़ी में ट्रांसफ़र हो और वहाँ पर ये निकाल हो, ऐसी योजना कॉरपोरेशन ने एक दो साल पहले बनाई भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दब गई और आज देखो तो चारों ओर जुगिया हो खड़ी हो चुकी है और आसपास के दबावकर्ता और भी दबाव करते जा रहे, लेकिन अब आप जब ने प्रशासन की आँख खोली है तो प्रशासन आगे क्या बनाने वाला है और किस तरह की योजना वहाँ पर साकार होगी? नहीं, अभी पहले तो ये प्लॉट जो है ये खुला होना ज़रूरी है। प्लॉट खुला होने के बाद में जिसके लिए ये रिज़र्व किया गया है वो बन सकता है, या तो गवर्नमेंट चाहेगी, कॉरपोरेशन अगर डिमांड करती है तो कलेक्टर कॉरपोरेशन को दे सकते हैं। तो बाकी विकास का काम हम उसमें हमारी अमरेवाड़ी विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमारी आवश्यकता होगी, चाहे वहाँ हम हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, या तो फिर पानी की टांकी नेटवर्क बनाने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम कर सकते हैं। ज़रूर, देखा कि अमरेवाड़ी के जागरूक विधायक ने सरकारी ज़मीन पर जुगिया बनाने वाले गैरकायदेसर बांग्लादेश और चंडोला के पैटर्न पर जो आगे बढ़ रहे थे उनको रोका गया है और प्रशासन इस बात से अब संतुष्ट है कि आगे जो भी कुछ होगा वो सरकार की योजना के मुताबिक या कलेक्टर और स्थानिक तंत्र जो कॉरपोरेशन का होता है वो कहीं ना कहीं ये जगह खाली करा के जिसके लिए अनामत रखा गया था वो प्लॉट का विकास करके उन्हीं को दिया जाए, या तो फिर हटके स्वर भाईपुरा वार्ड के जो श्रमजीवी स्तर है उनके लिए या तो स्कूल खोली जाए, या तो अस्पताल खोला जाए, या आंगनवाड़ी खोली जाए। हर्षद पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि चंडोड़ा पैटर्न की ये नंबर टू रिप्लिका थी, ये चंडोड़ा तड़ाव नंबर टू बनने वाला था, ये विधर्मियों और बांग्लादेश वालों के लिए ही बनाया गया है, ये पूरा षड्यंत्र है। तो बाहर के लोग इधर प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, छोटी मोटी वहाँ गोदाम बन रही है, और ये सब चंडोड़ा पैटर्न जैसे हुआ था कि पहले छोटा मोटा झुपड़ा बनाने का झुग्गी झुपड़ी, फिर बाद में कोई प्लास्टिक वाले आ जाते हैं वहाँ वो किराया पे ले लेते हैं, बाद में वहाँ टाउनशिप खड़ी हो जाए, इस टाइप की यह सोची समझी ये साजिश थी।